नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 बैठक की शुरुआत हो चुकी है। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए 16 देशों के प्रतिनिधि और लैटिन संगठन के 65 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सुपरस्टार रामचरण ने G20 प्रतिनिधि के साथ ऑस्कर विजेता नाटू नाटू गाने की धुन पर डांस किया। करीब 30 साल में यह पहला मौका है जब विदेशी मेहमान जम्मू कश्मीर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आज वी नेशन न्यूज बताएगा कि G20 क्या है, इसकी बैठक कश्मीर में होने की क्या मायने हैं, साथ ही G20 बैठक को लेकर किए गए सुरक्षा इंतजामों पर भी प्रकाश डालेंगे। G20 बैठक का लक्ष्य जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर 24 मई तक 2 दिवसीय G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह दिल्ली में सितंबर में होने वाली G20 सम्मेलन से पहले बैठकों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये बैठक पर्यटन कार्यालय समूह के लिए की जा रही है। इस बैठक में विदेशी पर्यटन की संभावनाओं पर मंथन होगा। क्या है G20? इससे पाक और चीन भी घबराया हुआ है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, ये दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है। इसमें 20 देश शामिल हैं। इन देशों में रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ शामिल है। G20 की बैठक को लेकर केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी बौखलाया हुआ है। इसके बारे में बताने से पहले बताते हैं कि आखिर G20 की स्थापना कब हुई और अब तक कौन रहे इसके अध्यक्ष। G20 की स्थापना 1999 में अमेरिका में 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के द्वारा की गई थी। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एशिया में आए वित्तीय संकट को लेकर शुरू किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष G20 सम्मेलन होने लगा। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है। भारत G20 का अध्यक्ष 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह भारतवासी के लिए गौरव की बात है। कश्मीर हो रहे G20 की बैठक को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावर भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत सम्मेलन के जरिए कश्मीरियों की आवाज नहीं दबा सकता है। अगर भारत कश्मीरियों की आवाज दबाने की सोच रहा है तो वो गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत एक तरफ खुद को महाशक्ति के रूप में पेश कर रहा है तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प का उल्लंघन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में हुई G20 की बैठक में चीन ने हिस्सा नहीं लिया था। अरुणाचल प्रदेश बिना किसी विवाद के भारत का हिस्सा है और चीन भारत के इस राज्य को अपना हिस्सा बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन भारत सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प अक्सर होती रहती है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से भी G20 के बैठक से पहले कहा गया था, अगर हमारी जमीन पर घुसपैठ हुई तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर चीन के पड़ोसी देशों की भी माने तो चीन का हर वक्त प्रयास रहता है कि अपने आसपास की जमीनों पर कब्जा कर ले। आतंकवादी हमले के लट पर सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद श्रीनगर 1989 से भारत सरकार के खिलाफ आतंकवादी समूह के विद्रोह में केंद्र में हो रहा है। हाल के वर्षों में हिंसा में कमी के बावजूद विवादित क्षेत्र में दसियों हजार लोग मारे गए हैं। इस वजह से UN में एक दूत ने वहां G20 बैठक आयोजित करने का इतराज जताया था। UN दूत ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया था। इसके जवाब में भारत ने इन आपत्ति के आधारहीन और अवांछित बताकर सिरे से खारिज कर दिया था। बैठक को लेकर भारत सरकार अपनी पूरी तैयारी से इस बैठक को करा रहा है। घाटी के पुलिस प्रमुख
विजय कुमार ने बताया कि शहर में जगह जगह पर कमांडो तैनात किए गए हैं और आतंकवाद विरोधी बल के सदस्यों को भी विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। साथ ही मरीन कमांडो डल झील में गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा कर्मी जमीन पर निगरानी रखे हुए हैं। श्रीनगर में इस ग्लोबल इवेंट को देखते हुए 3-लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। 30 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कश्मीर घाटी में 30 साल के बाद पहला कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। 1986 में भारत ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैच खेला गया था, जिसके बाद से ही घाटी में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन नहीं हुआ। कश्मीर में मौजूदा हालात बहुत ठीक होने के कारण भारत द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में आतंकियों ने G20 की बैठक में खलल डालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में 4 हमलों में 10 भारतीय सैनिक और 7 नागरिक मारे जा चुके हैं। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आतंकवादी संगठन G20 शिखर सम्मेलन में हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़।